चैप्टर 8 द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल। अब हम बच्चों चैप्टर 8 की रीडिंग में आ चुके हैं, जिसका नाम है द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल, एक दांत का डॉक्टर और एक मगरमच्छ। अब इन अ टॉप थिंकिंग गोइंग टू अ डेंटिस्ट अ रियली फेयरफुल बट हियर इन दिस पोएम सिचुएशन इज अपोजिट। जब भी बच्चों हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो रियली मतलब सचमुच में डरे हुए होते हैं, लेकिन जो इस पोएम की स्थिति है, जो इस पोएम में दिखाया गया है, वो जस्ट अपोजिट है, मतलब उसका उल्टा है। डेंटिस्ट इज फियरफुल टू सी द मैसिव जॉज ऑफ हिज कस्टमर। कैन यू गेस हु विजिट हिम एज अ कस्टमर। लेकिन इस पोएम में डेंटिस्ट डरा हुआ है अपने पेशेंट के दांतों को देखकर, जबड़े को देखकर। कैन यू गेस, क्या आप बता सकते हैं कि उस डेंटिस्ट का कस्टमर कौन है? इस पोएम में बच्चों हम वही पढ़ेंगे, और चलिए इस पोएम को हम लोग रीड करते हैं। द क्रोकोडाइल विथ कनिंग स्माइल सेट इन द डेंटिस्ट चेयर। ही सेट राइट हियर एंड एवरीवेयर माई टीथ रिक्वायर्स रिपेयर। जो मगरमच्छ है बच्चों, वो बहुत ही चालाक मुस्कान के साथ डेंटिस्ट की चेयर पे जाके बैठ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे आगे पीछे और सारे दांतों को अच्छे से चेक करो, और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तुम दो। तो द डेंटिस्ट फेस वॉज टर्निंग वाइट, ही कवर्ड क्वैक्ड एंड शॉक। He muttered, and I suppose I am going to have to take a look. जो डेंटिस्ट है बच्चों, उसका जो चेहरा डर के मारे एकदम वाइट हो जाता है, वो एकदम थरथराने लगता है, कांपने लगता है, और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो डरते हुए कांपते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे फिर से एक बार चेक करना है पड़ेगा कि आपके दांतों को कहाँ पे आपके दांत खराब हैं। आई वॉन्ट यू, क्रोकोडाइल डिक्लेयर, टू डू द बैक वंस फर्स्ट। वो जो मगरमच्छ रहता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे के दांतों को पहले देखो, पीछे को जो मेरे दांत हैं उनको तुम पहले से देखो अच्छे से। द मोरल्स एट द वेरी बैक आर ईजली द रोस्ट। मुझे लगता है कि जो मेरे पीछे के जबड़े हैं वो ज़्यादा ही खराब हो गए हैं। ही ओपन वाइड हिज मैसिव जॉज, इट वॉज अ फियर सम साइट। वो अपना जबड़ा खोलता है तो डॉक्टर बहुत ही डर जाता है देख कर उसे। एंड He opened wide his massive jaws. It was fearsome sight. At least 300 pointed teeth, all sharp and shining white. तो जो अपना जब जब अपना जबड़ा खोलता है मगरमच्छ, तो वो डॉक्टर जो जब वो अपना जबड़ा खोलता है बच्चों, तो डॉक्टर उसे देखकर बहुत ही डर जाता है, और जो उसके जो जबड़े होते हैं उसमें 300 नुकीले दांत उसके अंदर होते हैं, जो बहुत ही तेज़ और चमकदार सफ़ेद होते हैं। द डॉक्टर केप्ट हिमसेल्फ वेल क्लियर, ही स्टूड 2 yards अवे। He chose the longest probe he had to search out the decay. जो डेंटिस्ट होता है वो डेंटिस्ट को उसके दांतों को देखकर डर लगने लगता है, इसलिए वो उसे थोड़ी सी दूरी बना लेता है। 2 yards मतलब वो पीछे हो जाता है उसको देखने के लिए। ही चूज द लॉन्गेस्ट प्रोब ही हैड टू सर्च आउट द टिका है। वो अपना ट्रीटमेंट उसे करना है तो जो उसका जो सबसे लंबा औजार होता है उसे उठाता है, और डीके है जो जहाँ पे उसकी सड़न है मगरमच्छ के दांतों को,
कि वो देखना चाहता है किसके दांत किधर से खराब हैं। और आई सेड टू डू द बैक वंस फर्स्ट द क्रोकोडाइल कार्ड। मगरमच्छ उसे डराने के लिए बोलता है कि सबसे पहले आप मेरे उस पीछे के दांतों को चेक कीजिए। यू आर मच टू फार अवे डियर सर टू सी वॉट यू आर अबाउट। आप मेरे पीछे को दांतों को देखने के लिए इतने दूर क्यों खड़े हैं डियर सर। आप मेरे और पास आइए। टू डू द बैक वंस प्रॉपरली यू हैव गॉट टू पुट योर हेड टू डू द बैक वंस प्रॉपरली यू हैव गॉट टू पुट योर हेड। उसने कहा कि मेरे जो पीछे के दांत हैं उन्हें अच्छे से चेक करने के लिए आपको अपना सिर पूरा मेरे जबड़े के अंदर डालना पड़ेगा, तब आप उससे अच्छे से देख पाएंगे। वो जो डीप डाउन इनसाइड माय ग्रेट बिग माउथ द ग्रीनिंग क्रॉकी सेट। और तब वो कहता है कि आपको यही करना होगा, मेरे आपका जो सर है वो मेरे पूरे मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। और द पुअर ओल्ड डेंटिस्ट रंग हिज हैंड्स एंड वीपिंग इन डिस्पेयर। उसने कहा कि डेंटिस्ट जो है बहुत ही डर जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ही क्राइड नो नो आई सी देम ऑल एक्सट्रीमली वेल फ्रॉम हियर। उसने कहा चिल्लाकर, नो नो मुझे पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके दांत कहाँ खराब हैं। जस्ट देन इन अ ब्रस्ट अ लेडी इन हर हैंड्स अ गोल्डन चेन। और उसी समय एक लेडी आती है और जिसके हाथों में गोल्डन चेन होती है। ही क्राइड वो चिल्लाती है, ओ क्रॉक यू नॉटी बॉय यू आर प्लेइंग ट्रिक्स अगेन। वो बोलती है कि अरे क्रॉक तुम शैतान लड़के, तुम फिर तुम किसी के साथ फिर मजाक कर रहे हो, फिर किसी को तुम परेशान कर रहे हो, परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। वॉच आउट द डेंटिस्ट श्रिक्ड एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द वॉल। जैसे ही डेंटिस्ट उस लेडी को देखता है और वो वॉल दीवार की तरफ जाकर तेजी से भागने की कोशिश करता है और वो एक दीवार रहती है उस पर चढ़ने लगता है। ही इज आफ्टर मी ही इज आफ्टर यू ही इज गोइंग टू ईट अस ऑल। ये बोलता है कि यह आपके पीछे भी पड़ेगा और वह सबको खा जाएगा भी पड़ेगा। डेंटिस्ट कहता है कि ये मेरे भी पीछे पड़ा है और आपके भी पीछे पड़ेगा और सबको खा जाएगा। डोंट बी अ ट्विट द लेडी सेड एंड फ्लैश्ड अ गॉर्जियस स्माइल। और उसने लेडी कहती है कि आप इतना ट्विट मत करिए। वो बहुत ही अच्छी सी मुस्कान देती है और ही इज हार्मलेस। वो बोलती है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। ही इज माई पेट या मेरा छोटा सा पेट है, माई लवली क्रोकोडाइल मेरा प्यारा मगरमच्छ। बच्चों तो इस प्रकार इस पोयम में जो है जो मगरमच्छ रहता है उसके कोई भी दांत खराब नहीं रहते, वो सिर्फ डॉक्टर यानी डेंटिस्ट के साथ एक ट्रिक खेलता है, नाटक करता है। और ऐसे ही